दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे कि हेल्थ कार्ड और आयुष्मान कार्ड में क्या अंतर है। तो जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें पूछा कि भाई आयुष्मान कार्ड हम अपना कैसे बनवा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप अपना आयुष्मान कार्ड आप बड़े आसानी से बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कि आयुष्मान कार्ड लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। उसके बाद फिर आज नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आयुष्मान कार्ड हम कैसे बनवा सकते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड लिस्ट में हमारा नाम पाया जाता है तो हम आयुष्मान कार्ड कैसे अपना बनवा सकते हैं, तो इसका वीडियो नेक्स्ट में आएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कि आयुष्मान कार्ड लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं पाया जाएगा तो आप आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते हैं, और अगर आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में आपका नाम पाया जाता है तो आप बड़े आसानी से बनवा सकते हैं, तो उसका वीडियो नेक्स्ट में आने वाला है। तो आज फाइनली यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि आयुष्मान कार्ड लिस्ट में हम अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊँगा कि आयुष्मान कार्ड हमें क्यों बनाना चाहिए, बनाने से हमें क्या फ़ायदा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, दोस्तों आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको गूगल पर आपको आ जाना है और आपको टाइप कर देना है PMJAY। इतना करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। फर्स्ट में आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा आयुष्मान भारत, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आयुष्मान कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे, और यहाँ से आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मेन्यू का ऑप्शन, तो मेन्यू के ऑप्शन में आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। 3 लाइन के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्टल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ पर ऑप्शन मिल गया पोर्टल्स का ऑप्शन। तो पोर्टल्स के ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा MI एलिजिबल, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना पता कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा मिल जाता है, तो जिस तरह से कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा कैप्चा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, कैप्चा फिल करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट OTP, तो जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP सेंड किया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। और दोस्तों, यहां से आप कोई भी स्टेट का यहां पर चेक कर सकते हैं, आप चाहे UP बिहार जहां से भी है वहां का भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर सभी स्टेट यहां पर एलिजिबल है। तो दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है उसको यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस होगा। जैसे सेलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च बाय स्टेट राशन कार्ड नंबर। दोस्तों, यहाँ पर झारखंड का ये प्रोसेस है, अगर आप दूसरे स्टेट से होंगे तो हो सकता है कि आप अपना आधार कार्ड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, आपका दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको खोजें या सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सर्च रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल्स आ जाएगा। आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे यहाँ पर आपका सारा शो हो जाएगा, जितना भी आपका फैमिली मेम्बर होगा यहाँ पर सारा कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फोन हुआ है,
6 फॉन्ट हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका सारा और सभी मेंबर्स का यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल शो होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, नेम, ईयर बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे मेंबर्स में इतने लोग एलिजिबल है, यानी आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी का डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। और अगर आप अपना डिटेल्स को चाहते हैं SMS के माध्यम से, तो आप यहाँ पर गेट डिटेल्स ऑन SMS का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा मिलेगा उस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों, SMS हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा SMS भी आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम अपना SMS पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं SMS के माध्यम से मेरा डिटेल सेंड कर दिया गया है। ऐसे आप आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद फिर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लायक हो जाते हैं लिस्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड हमें क्यों बनाना चाहिए, बनाने समय क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको प्रति वर्ष 5 लाख तक फ्री में इलाज किया जाएगा। आप जो भी हॉस्पिटल से आप इलाज करवाएंगे, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो कहीं पर भी आप इलाज करवाएंगे तो आपको 5 लाख तक फ्री में इलाज किया जाएगा। तो दोस्तों यही है बेनिफिट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों फिर हम एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में